हेलो स्टूडेंट्स, आज इस नई पहल में जो कि जैसे हम बराबर डिस्कस करते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। बीपीएससी एग्ज़ाम से मेरा मतलब बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो यू नो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हो, उन सब के लिए रिलेवेंट है। आपको पता है बिहार आजकल जो रोजगार सृजन पे ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड, तो इंडस्ट्री में जो प्रायोरिटी सेक्टर है बिहार की वो दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो इस सीरीज़ में हम अगले 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको बताई जाए जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो मैंने पोर्टल्स यूज़ किए, उद्योग मित्र ऑफिशियल एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, राइट, उससे रिलेटेड हम जो भी फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, आप एग्ज़ाम में इसका नोट्स बना के एक पेज में रख लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। आते हैं पहली चीज़ की एग्रो प्रोड्यूस, जो सीरियल्स हैं अनाज से रिलेटेड, तो कौन कौन से अनाज ज़्यादा होते हैं, राइस, व्हीट, मक्का और साथ में ऑयल सीड्स, इसमें भी आते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 107 लाख प्लस टन का, राइट। मक्का बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मिट्टी भी सपोर्ट करती है, पानी भी सफिशेंट मात्रा में होता है जितनी चाहिए उस टाइम, राइट, ज़्यादा होने पर दिक्कत भी हो जाती है, राइट। तो मेज का अलग अलग पर्सनल और कमर्शियल यूज़ भी है, राइट। सो टोटल सीरियल प्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है इस एग्जाम से रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी का मतलब एक हेक्टेयर में कितना होता है, बिहार का वन ऑफ द हाईएस्ट है इस देश में, कि पर हेक्टेयर के हिसाब से बिहार में मक्का प्रोडक्शन ज़्यादा है। मैंगो की बात करें, फ्रूट्स रिलेटेड, तो मैंगो, गुआवा, अगर सब्जी में देखें तो पोटैटो, गोभी, ओनियन और टोमेटो, इनमें बिहार का प्रोडक्शन काफ़ी नामी है। 2020 तक जो आज के डेट में हमारा प्रोडक्शन है 170 लाख टन प्लस का। लीची आपको पता है कि बिहार का वो GI टैग, मुजफ्फरपुर शाही लीची। मैंगो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बनाना प्रोडक्शन, अगर आपको कभी हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पर जाने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि कितने कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मखाना रिलेटेड फैक्ट, सो मखाना इंग्लिश में इसको गॉर्गन मंटूबे कहते हैं, बड़ा कम लोग जानते हैं, एक्चुअली कॉमन नेम नई मखाना ही है। जो दरभंगा से आसपास या दरभंगा में जो रीजन है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, इस रीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। याद रखना है इसका प्रोटीन कंटेंट मीट या मटन से भी ज़्यादा होता है और इस और फैट ना के बराबर है, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो फैट, इसलिए इसका यूज़ बेबी फूड में होता है कॉमर्शियली, तो इसके एक्सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप खुल गए हैं इसके आज के डेट में, आप मिथिला में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, मेजर जो है वो दरभंगा के आसपास वाले हैं। इसके अलावा किशनगंज और अररिया में भी 80% कॉमर्शियल लेवल पे हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरे देश का। एनिमल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हम मिल्क और मीट दोनों की बात करते हैं, तो लाइव स्टॉक, पशुधन जो है हमारा वो 360 लाख प्लस का है, बिकॉज ये टैगिंग वालों के ही काउंट हो पाती है, होंगे ज़्यादा ही, जिसमें से 52% मिल्क कैटल है, जो दूध दूध देने वाले दुधारू जानवर, बाकी बैल, भैंसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी होते हैं, कार्ट पुलिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, खेती में यूज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिश के मामले में जो हमारा जो डिफरेंट, क्योंकि हम 3200 प्लस किलोमीटर हमारे जो रिवर्स का जो लेंथ है हमारे स्टेट में, तो 5 लाख टन पर एनम हम डिफरेंट वाटर बॉडीज से प्रोड्यूस करते हैं हर साल। चौथा नंबर है हमारा हनी प्रोडक्शन में। कुछ ऑफिशियल फैक्ट, शुगर इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो पहले बहुत सारे थे, आज के डेटे ऑन पेपर ऑफिशियली 29 है, राइट। कुछ स्टार्ट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो बंद हो गए थे बीच में, राइट। लार्जेस्ट एग्रो बेस, बिकॉज हमारे यहाँ गन्ना का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, करंट प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन मेट्रिक टन है और टारगेट जो है हमारा वो करीब 50 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है, राइट। ऑलमोस्ट 4% जो जमीन है हमारे पास उसका हम कल्टिवेबल लैंड, जो जिस पे खेती होती है, उसमें जो है हम शुगर के उगाते हैं, बिकॉज मेहनत कम लगता है और कॉमर्शियल कैश क्रॉप है, तुरंत लोगों को पैसा मिलता है, तो ये एक्सपेक्टेड है। टोबैको, तम्बाकू में क्या है कि तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन आपको बिहार में मिल जाएगा काफ़ी, मुंगेर के आसपास, कहाँ कहाँ मिलेंगे, बीरी फैक्ट्री, तेंदू लीव्स बीरी फैक्ट्री में यूज होते हैं, तो आपको बिहार में ये मिलेंगे, बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और फिर उसके बाद आपको जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में झाझा आता है वो आपको मिलेंगे, जहाँ पर बीरी बीरी का प्रोडक्शन से रिलेटेड एक चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बेसिकली वुमेन को, स्वयं सहायता समूहों को, इसलिए ITC ने एक प्लांट भी लगा रखा है टोबैको के प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट। तो ये आपको याद रखना है प्लांट्स के लोकेशन। ओवरऑल हम अनाज के टर्म्स में 8वें नंबर पे हैं, फ्रूट के टर्म्स में 6ठे नंबर पे हैं, वेजिटेबल के टर्म्स में 3rd नंबर पे हैं इस देश में। नेक्स्ट लीची, शाही लीची, GI टैग, राइट, मुजफ्फरपुर और आसपास लोकेशन, मेनली मुजफ्फरपुर ऑप्शन आएगा तो यही आता है, आपको इस जगह का नाम याद रखना है, राइट। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम होती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें मुजफ्फरपुर का इसमें नाम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट,
90% 99% शाही लीची हम एक्सपोर्ट करते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ इस बार कोलैबोरेशन भी हुआ था, पहला पैकेट जो है अच्छे बेस्ट क्वालिटी हमने इंग्लैंड को, नेशनल सेंटर फॉर लीची, ये लीची का जो रिसर्च सेंटर है वो भी मुजफ्फरपुर में खोला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हनी, बिहार कॉमर्शियल लेवल पे हनी प्रोडक्शन करता है, वन ऑफ द लीडिंग स्टेट, मेनली नॉर्दर्न बिहार की बात करेंगे, सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे 12% कैपेसिटी जो कंट्री का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। मैंगो की वेराइटीज़ कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है, बिहार इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ मैंगो, आम के टेन वेराइटीज मालदा, बॉम्बे, जरदालू, सुकुल, गुलबक्स, ये सब आपको ज़रूर याद रखना है। अगेन ये उसी एरिया में आपको नॉर्थ में ज़्यादा मिलेगा, राइट, बिकॉज वो मिट्टी का फ़र्क होता है, मेनली वाटर सफिशियंट होता है वो भी, राइट, तो इस मामले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर भी काम कर रही है। टी, किशनगंज टेरेस फार्मिंग, राइट, तो टी के लिए टेरेस फार्मिंग चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, तो किशनगंज में यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर एरिया है वहाँ पे खेती होती है। लोचन टी लिमिटेड का आपको नाम याद रखना है, ये ऑर्गेनिक टी वगैरह प्रोड्यूस करती है, कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन पोटिया एंड ठाकुरगंज टाउन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किशनगंज, याद रखना है, वो जनरली भूल जाए। करेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सहायता है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, इसके तहत जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके फूड पार्क्स वगैरह बनते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एलाइड एक्टिविटीज़, उसमें सहयोग मिलता है, राइट, तो 6,000 करोड़ इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, एलोकेट किया था अगले 4 सालों के लिए, अभी रिसेंट है, अपडेट है ये एक्चुअली, उसमें से बिहार को भी मिला था 9। अब इसके तहत 9 प्रोजेक्ट बिहार में स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं 9 प्रोजेक्ट का मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको जगह याद रखना है एक्चुअली 9 प्रोजेक्ट अंदर किसी संपदा योजना, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा एक जो कोल्ड चेन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है वो गोपालगंज में, राइट, तो 9 जगह के आपको बस नाम याद रखने, नाम जानने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, दैट इज खगड़िया में 2 प्रोजेक्ट, बेगूसराय में 2 प्रोजेक्ट, मुजफ्फरपुर में 2 प्रोजेक्ट, पटना, गोपालगंज, वैशाली, किशनगंज, आपको बस ये नाम रखने। ये 21 अप्रैल 2021 का अपडेट है, तो दिस इज करंट अफेयर मोर और लेस, इससे ज़्यादा आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लिमिटेड टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका काम चल जाएगा, राइट, तो स्कीम भी हो गया, आपको मोर और लेस हर क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो दिस वन इज सफिशियंट फॉर एनी ऑफ द बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट, जगह के नाम, हमारा जनरल एवरेज टारगेट क्या है, अगर हम लीडिंग है तो किस मामले में लीडिंग है, ये आपको याद रखना, ठीक है, थैंक यू।